बड़ा है। लेकिन अब राजनीतिक परिपेक्ष में मैं पूछना चाहूंगी साहू जी से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ नजर आता है जब सोमनाथ भारती जैसे नेता आ जाते हैं? कहाँ नजर आता है जब कई नेताओं पे, आपकी पार्टी के नेता पे बलात्कार का आरोप भी लगा, आप कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन लेने का काम नहीं? सबसे पहले तो चुके रोके सले जी और इनका मैं आदर कर रहा हूँ, भाई स्टार है और अच्छी बातें कर रहे हैं, हीरो हैं अच्छी बातें कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी आइकॉन हो सकते हैं, आपने अच्छा सवाल उठाया है, इनके लिए हर्ट नहीं होगा या होगा तो उसको दूसरे रूप में लीजिएगा। एक स्कूल टीचर जब उनको बोलती है कि जरा ये गाना गा दीजिए, आपने देखा होगा उसी इंटरव्यू में उसको बड़ा बदतमीजी से बाहर उठा दिया। मनोज जी कोई भी व्यक्ति हो और खास करके जब हम पब्लिक डोमेन में है, कोई जनप्रतिनिधि है, जनता का चेहरा, हम स्टार है, हम पॉलिटिशियन है, हमको इस व्यवहार विचार पर काफी संयम बरतना पड़ेगा। तो आपको लगता है राजनीतिक भाषण में किसी भी व्यक्ति का ये कह देना कि आप गाना गाइए सही है? नहीं, वही उसी जगह जब हम उसका शर्मा करते हैं तो झुक जाते हैं, तो वो तो एक एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम चलेगा। हाँ, वो एंटरटेनमेंट का सुनिए मेरे को, मैं देखिए वो स्कूल में था, यमुना विहार में एक स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, वहाँ पर दिन तोड़ के अच्छा व्यवहार करते थे ना वो टीचर जी। हाँ, उनका व्यवहार, उनका व्यवहार, आज आज मेरा ये राजनीतिक कार्यक्रम है, उतारो फेंको मारो, ये नहीं तरीका, ये बिहार को, इन छवि को धूमिल करता है। अब जो आपने बेटी पढ़ाओ पर जो आपका सवाल आया कि देखिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, हमको तो लगता है आलोचना आप लोगों को लगेगा कि कुछ खास पार्टियों ने देश की जनता को ये चुनौती दे रखा है कि तुम बेटी पढ़ा कर और बचा कर कैसे दिखा सकते हो मेरे रहते, जैसे चिन्मयानंद से लेकर के सोमनाथ भारती जी का मामला आप देखिए मीडिया में जिस तरह से चला सोमनाथ भारती जी का जो मामला आया दिखाकर 12 में पार्टी बनी, 26 नवंबर 12 को, 11 में सोमनाथ भारती जी के इंटरनेट के थ्रू बंगाली लड़की से शादी हुई, 12, 13, 14 तक उनके लॉ मिनिस्टर बने, बच्चे हो गए। अब उनकी पत्नी ये कहने लगी कि तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो, मैं रहूंगी तो माँ नहीं रहेगी। सोमनाथ भारती जी ने कहा कि नहीं, माँ कैसे, माँ इस एज में है, उनको अलग मकान दे दिया। वो द्वारका में रहती थी, इमानिया नगर में रहती थी। आरोप लगाना आज तक आप सिद्ध हो पाया क्या? जिस तरह से उनकी पत्नी ने बताया कि हमको उत्पीड़ित किया जाता है, ऐसे किया जाता है, वो प्रभाव में कौन करा रहा सब, किसी की बीवी का प्रभाव में नहीं, आपके किसी के का बीवी में प्रभाव में नहीं। देखिए जो अच्छी बात है, मैंने अच्छी बात बोली ना, ये भी अच्छी बात बोल रही है ना, तो डिपेंड किसी को मत कीजिए ना जी, आपको भी जो इन्फॉर्मेशन मिली आपको सोमनाथ भारती ने नहीं बताई होगी, आपने भी सुनी गली से ना, मतलब बड़े भाई सोमनाथ भारती, अगर आप इनका आप महिला का पक्ष ये कह रहे हैं कि वो प्रभाव में बोल सकते हैं, तो हम कैसे माने सोमनाथ भारती जो कह रहे हैं वो सही है? लड़ाई झगड़ा जो होता है इनका कैमरे पर आया, ये पूरे देश ने देखा है, आरोप लगाया है, ये भी तो आरोप ही हो सकता है कि माँ को बाहर निकालने के लिए, ये भी तो आरोप है, ये कहां से, ये कौन से कोर्ट ने जज ने बोल दिया कि इन्होंने ये आरोप, इन्होंने ये कहा था माँ को, ये कौन सा, आप जैसे कह रहे हैं ये मामले है, ये सच है, इसको सच कह रहे हैं? अरे आप अपने रिपोर्टर को भेज कर दिखा लीजिए, तो आप उसको दिखवाइए ना जो महिला के लिए, महिला बोल रही है उसके लिए क्यों नहीं दिखवा रहे? महिला को आप गलत बता रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो पुरुष सही है, उसकी बात सही मैंने बोल रहा हूँ, आपने कहा यही समझने का होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सच्चाई चीजों को सत्य को नजदीक जाना चाहिए। सबसे पहला आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री संदीप कुमार को केवल टेलीविजन पर, अभी चला भी नहीं था, अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ गया और केजरीवाल जी ने उसको विधायक से पार्टी से बाहर निकाल दिया। क्यों आपने झूठी डिग्री वकील आरोप आपके भी इसमें लगे सरकारों में मंत्रियों पर, आपने क्या किया उनके लिए? नहीं,
बाहर हुए थे और सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती जी मतलब आप डिफेंड करते हैं इसलिए आपने बाहर नहीं किया, क्योंकि आज आप यहाँ पे बैठ के डिफेंड करें। मेरा दर्शकों से सच्चाई को हमको नजदीक से जाकर परखना पड़ेगा। बिना सच्चाई के आप डिफेंड कैसे कर रहे हैं सर? हम तो बता रहे हैं इसको जांच नहीं, नहीं, आपने आप उस इतनी इतना सीना ठोक के वैसे ही बोल रहे हैं जैसे मनोज तिवारी जी ने 48 सीट आने का दावा किया, तो वैसे ही सीना ठोक के आप बोल रहे हैं। मैं ये कहूंगी जनता से, दर्शकों से, कि देखिए किसी भी महिला का ये कह देना कि मेरे साथ बलात्कार हुआ या किसी महिला का ये आकर कहना कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई, ये दोनों ही बात कोई भी बात को जांच करनी चाहिए। और जो घरेलू हिंसा कर रहा है, अगर पार्टी का पैमाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ सच में है, तो ऐसे लोगों को पार्टी से तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है, और ऐसी नारी का सम्मान होना चाहिए। और मेरा मानना है पर्सनली कि जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। तो अगर आप भारत माता के बेटे अपने आप को बताते हैं और भारत माता के सुपुत्र बोलते हैं, तो पहले महिलाओं का सम्मान करना अपने जीवन का सबसे बड़ा प्राथमिकता आपको रखनी चाहिए। मेरा अगला सवाल यह है कि आज समाज किस दिशा और दशा में जा रहा है। आपसे मैं एक पहला भी प्रश्न मेरा यही था शैली जी कि एक बीमारी आई है चाइना से, भक्त हुई बीमारी आई है चाइना में, कह रहे हैं 44,000 लोग उस बीमारी का अब तक शिकार कर चुके हैं। कोर्ट से चाइना के जो सरकार है वो दरख्वास्त मांग रही है, कर रही है अपील कि हमें इन्हें मारने की अनुमति दे। तो ये इस तरह की बीमारियां जो आ रही है, क्या ये इसको क्या माने आज समाज? देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ तो खराब है ही, आज देश के अंदर हम देखें हमारे हिंदुस्तान की, आप सिर्फ मत देखिए आप बाहर भी देखिए, एक नेगेटिविटी का माहौल मुझे ज्यादा दिखता है। क्यों ऐसा है कि जो बीमारियां हैं, अब आपने जैसा कि अभी कहा कि अगर हम सही चलते तो शायद कई तरह की बीमारियां जो आ रही हैं, जो इंसानों के अंदर मोबाइल चला चला के अभी हम लोग चर्चा करते हम ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे कि इतनी बीमारियां आपने बताया आ गई कि हम शायद कंधे झुका कर ही रहते रहे, जनरेशन ऐसे ही बिगड़ती हैं। जैसे कोरोना में क्या कहें, क्या है ये बीमारी, लोगों को एक्चुअली लोग बहुत डरे हुए हैं इससे। आप अपने परिप्रेक्ष्य आपकी दिशा और दशा क्या है? परिप्रेक्ष्य सिंपल सा ये रहता है शुरुआत से कि जो मीडिया आपको शो करता है ना, आप थोड़ा सा उससे प्रभावित कम हो, ठीक है। कोरोना वायरस एक डेडली वायरस है, पूरा आपके पास जितना मीडिया से आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है एक्चुअली में खतरनाक है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ लोग खड़े खड़े गिर जा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो खतरा है। बस मेरा पॉइंट केवल ये है कि हमें एज अ पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए थ्रू मीडिया। मीडिया का काम क्या पता है क्या है? मीडिया का काम पैनिक क्रिएट करना है हर चीज में। आपको हर चीज को बाजार में, मैं कोरोना वायरस में ऐसे नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं आपको एक बता रहा हूँ, किसी भी बड़ी बीमारी को आप लोग बाजारवाद से जोड़ते हैं। बाजारवाद कैसे? कि हम लोग को हर चीज ऐसे हाईलाइट की जाती है कि ये नहीं होगा तो आपके साथ ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि आपके पास पीएम लेवल बहुत बिगड़ रहा है, तो आप उसका उसका पॉजिटिव एंगल पता क्या था फॉर मार्केटिंग एंड फ्रॉम मार्केटिंग साइड, कि आपको वो एयर फिल्टर्स बेचने से, समझ नहीं मेरी बात को, आप ऐसे एजुकेट क्यों नहीं करते कि यार एक व्यक्ति के आसपास चार पेड़ चाहिए। जैसे मैं आपका ऑफिस देख रहा हूँ, सुंदर पीस लिली रखा हुआ है, सेंसिविरा रखा हुआ है, दैट सिंपली मींस कि आपके जो टीम है यहाँ की उसका एक फोकस है कि आपके पास फ्रेश और नेचुरल एयर कहाँ से आए। लेकिन हमें क्या है, हमें आपको डरा देते हैं कि भैया पीएम लेवल है, पॉल्यूशन है, ये है वो है, तो क्या आप ये मशीन आती 40,000 रुपए की, इस रूम में रखिए, इस रूम में रखिए, इस रूम में रखिए, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। अरे मेरे, आप मुझे सिंपल से समझाइए, हम एक नॉर्मल जीव है, पेड़ पौधा कुत्ता बिल्ली जैसे जीते हैं वैसे हमारा भी जन्म वैसे ही हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है हम लोग में। बट हमारे पास समस्या क्या है कि हमारे पास दिमाग जन्म से ज्यादा है, ठीक है ना। उस दिमाग से क्या होता है कि हम हर चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, एवरीथिंग। हम नॉर्मल जब हम पंखे में रहते थे तब हमें गर्मी नहीं लगती थी, अब एयर कंडीशनर आ गया तो हमें गर्मी लगने लग गई है। पॉइंट, एयर कंडीशनर अपने आप में ही एक नई बीमारी का स्रोत है। अभी आपको अभी हमें अंदाजा नहीं हो रहा, अभी हम लोग प्रैक्टिकली वी आर फर्स्ट जनरेशन Who is using air conditioner? आज मैंने नेता भी देखे हैं जो air conditioner नहीं use करते 40 डिग्री सेल्सियस में। आपको यही, मेरे आप घर आइए, मैं ठीक ठाक, आप आएगा ठीक ठाक घर है मेरा, और हम लोग मैंने वो घर बनाया हुआ है यहाँ पर एक भी एसी नहीं है मेरे पूरे घर में। मेरे घर में आप कम से कम 200 पेड़ देखेंगे घर के अंदर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, 200 पेड़ रखे हुए। क्यों रखे हुए? क्योंकि आपका एजुकेशन जब तक नहीं होगा ना, तब आप कैसे, आपको समाज के साथ रहना, आपको उस एनवायरनमेंट में रहना, तो आपको लाइक एनवायरनमेंट रहना पड़ेगा।
आपने एसी लगा दिया, उसकी गर्मी कहाँ जा रही है? हम लोग गर्मी की बात कर रहे हैं, वार्मिंग की बात कर रहे हैं। आप अंदर तो आप ठंडा कर दिया, बाहर क्या किया? एग्जैक्टली आप उसके पीछे नहीं खड़े हो सकते एसी की, जो हीट एमिनेट कर रहा है, और वो कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में जा रही है ना। और हम बिना गाड़ी भी, हमारी बिना एसी नहीं चलती है, मतलब हम सड़क पर भी है तभी गर्मी दे रहे हैं, घर के अंदर तभी, हम लोग कंडीशनिंग जोन में रह रहे हैं। और वी आर नॉट मेड फॉर कंडीशनिंग। हम जब छोटे थे तो कुत्ता बिल्ली जैसे दिखते थे, आज भी वैसे दिखते हैं पेड़। कभी आपको लगता है कि इवन होगा तो अच्छा लगेगा? कोई पेड़ टेढ़ा है तो अच्छा लगता है, कोई सूखा है तो अच्छा लगता है, कोई बड़ा है तो अच्छा लगता है, कोई घना है तो अच्छा लगता है। नेचर इज नॉट बैलेंस्ड, नेचर इज ऊपर नीचे। अगर सारे पहाड़ आपको एकदम ट्राइंगल में दिखाई देंगे तो अच्छे लगेंगे आपको देखने में, कहीं खाई दिखनी चाहिए, कहीं ऊंचा दिखना चाहिए। लेकिन हमारा क्या, हम लोग हर चीज को कंडीशनिंग, हमारे पास क्या है कि वॉश बेसिन ऐसा होना चाहिए, हमारे रूम में ये लाइट ऐसी आनी चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग का जो ओरिएंटेशन है वो बाजारवाद की तरफ जा रहा है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, उपभोक्तावाद। हमें हर चीज बता के पीछे जाती है कि इफ यू आर नॉट यू नो हैविंग दिस, दैट मींस यू आर इंफीरियर। आपके पास आप कोई बड़ा हीरो आके बोलता है फेयर एंड हैंडसम लगाओ, तब तुम्हें लड़कियां पूछेंगी? कोई तरीका है? आपका कैरेक्टर ऐसा कह सकता है? You should do such ads? No, you should not do such ads. Yes, exactly. आप बता रहे हैं कि आपका जो brown national color है, वो hin color है। जी। Simple तो मत ही होगा ना? आपका जो मेरा brown tan है या जो मेरा deer color है, वो hin color है। आप fair and handsome लगाइए, कोई तरीका है बात करने का? और ऐसा एक चीज नहीं है, ऐसी एक एक चीज में है। आप हम बचपन में एक दूध में डालने का प्रोडक्ट देते थे, अब उसमें भी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, उसमें दिमाग के लिए ये डालिए, तो आपको कहाँ लेके जा रहा है? आपको समाज में इतना गुमराह करके रखा हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है। हम लोगों को आप एक डायग्नोस्टिक करवाने जाते हो तो बोलते हैं हम 80 डायग्नोस्टिक कर लेते हैं इसके अंदर। व्हाट डज दैट मीन? इट इज कंप्लीटली कॉम्प्लिकेटिंग यू। आप प्री डायबिटिक का पॉइंट आ गया समाज के अंदर, अरे भैया प्री डायबिटिक क्या होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर डाल दे कि ये लेवल हो गया तो प्री डायबिटिक है। आप एक सिंपल सा बताइए, मैं एकदम ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ। साहब खड़े हैं, आप खड़ी हैं, मैं खड़ा हूँ, हम तीनों धूप में खड़े हैं, सूरज जब प्रचंड गर्मी दे रहे हैं, हो सकता है आपको ज्यादा गर्मी लगे, हो सकता है मुझे कम गर्मी लगे, हो सकता है सब गर्मी ना लगे, मतलब हम तीनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हम तीनों की शरीर की जो क्षमताएं अलग है, तो जब हमारी क्षमताएं अलग है तो बीपी कैसे हो सकता है? हमने एक पैरामीटर बना दिया ना कि आपको पसीना नहीं आ रहा, आपको बहुत आ रहा, मुझे कम आ रहा है। तो आपका जब हमारा सिस्टम रिएक्शन अलग है तो हमारा बीपी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे हो सकता है, हमारे डायबिटीज का एक पॉइंट कैसे नहीं हो सकता? लेकिन हम लोग इस प्रकार के बाजारवाद में घूम रहे हैं जहां हमें पूरी तरीके से बौखलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, भ्रमित करके रखा हुआ है कि यार ये नहीं, ये नहीं, ये। अरे आपके पास एक 50,000 का फोन है, 10 दिन बाद 70,000 का फोन का ऑफर मॉडल आ जाता है, क्यों आ जाता है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उपभोक्तावाद। बिल्कुल। उपभोक्तावाद मुझे लगता है राजनीति में भी आ गया कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अभी बात चलती है दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये कहते हैं दिल्ली में कि ऑड इवन से पॉल्यूशन खत्म होगा, कोई नया कुछ लेकर आता है। आपको क्या लगता है सच में पॉल्यूशन खत्म करना तो क्या करना चाहिए, या फिर ये सब हवाई बातें करके ही दिल्ली की जनता से, या और क्योंकि दिल्ली में ज्यादा पॉल्यूशन है इसलिए दिल्ली की बात करूंगी। बिल्कुल, दिल्ली में और देश में भी, दिल्ली से भी ज्यादा कई पॉइंट पॉल्यूशन का स्तर जो मापदंड है सरकार का उससे भी ज्यादा हुआ। पटना का था, मुजफ्फरपुर का था, हम लोग देख रहे तो ये मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपने उपभोक्तावादी संस्कृति की बात की, मेरा साफ मानना है कि जिस तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति का बढ़ावा मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से दिया जा रहा है, वो नौजवानों को गुमराह करता है। और एक तरह से आप समझिए तो उग्रवाद आतंकवाद की जड़ में भी हुआ है। एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है, नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, दूसरी तरफ उपभोक्तावादी संस्कृति के माध्यम से उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स के चीज दिखाए जा रहे हैं, और उनको लगता है कि हम ये छोटा पैसा कहीं जाएंगे बम फेंक देंगे, किसी पर हम बंदूक चला देंगे, हमें पैसे आ जाएंगे, और ये देने वाले लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से इस संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है जो बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, इससे निकलने का रास्ता बनाना पड़ेगा। और जहां तक प्रदूषण स्तर की बात है, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार के अपने चुनाव घोषणा पत्र में करोड़ों पेड़ लगाने का किया, और पेड़ लगेंगे, पीपल के भी पेड़ लगेंगे ज्यादा, जो 24 घंटे ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, और अन्य तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। यमुना को भी सफाई की योजना है, प्रदूषण पर कई कार्यक्रम है, और प्रदूषण जो दिल्ली में अगल बगल के राज्यों से होता है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे सरकारों से कि पराली न जलाया जाए, और भी कई तरह की चीजें जो धूल कण ज्यादा, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई अन्य काम है जहाँ से किया जाता है, जनरेटर यहाँ करीब करीब बंद हो चुका है 24 घंटा भी, वो भी प्रदूषण को रोकने में सहायक होगा। तो जो भी रास्ता बन सकता है, कोई चीज जो जलाया जा रहा है, टायर है, कूड़ा है, कचरा है, सब
नहीं चलाया जाए, सब पर बड़े विस्तार से गंभीरता पूर्वक दिल्ली की जो राज्य सरकार है वो काम कर रही है और आगे आने वाले दिनों में इसको और बेहतर तरीके से ले जाएंगे। प्रदूषण पूरे जीव जगत के लिए खतरा है, अगर ये बढ़ा तो केवल मानव नहीं सारे पशु पक्षी दुनिया का विनाश हो सकता है। इसलिए इसे बचने के लिए सब आदमी को संवेदनशील होकर के जो भी उपाय हो सकते हैं बेहतर काम करना चाहिए। ओजोन मंडल का बाद जो तीसरा लेयर है O3 वो छेद हो गया, जो सूर्य की किरणें हैं जब शरीर पर सीधे पड़ती है अल्ट्रावायलेट रेज तो उससे शरीर का काफी क्षति पहुंचता है, उसको रफू करने का ओजोन मंडल को ठीक करने का भी जो वैज्ञानिकों के द्वारा पर्यावरणविदों के द्वारा काम चल रहा है उसमें पेड़ बहुत कारगर जो है ना, ये सारी चीजें हैं विज्ञान जो जिससे जो विज्ञान की बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है एज अ नॉर्मल बीइंग हम लोग विज्ञान की नहीं, हम विज्ञान की तरफ नहीं, हम अज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत करेक्ट थी लेकिन मॉडर्न बनने में हम लोग सब कुछ को खराब करते चले जा रहे हैं, नेचर से हम दूर भाग रहे हैं, अपनी लाइफ को कंडीशन वे में जी रहे हैं, खान-पान से लेकर के रहन सहन सब चीज प्रभावित कर रहा है, हमें हर चीज को डरा के हर चीज डरा के हर चीज डरा के पत्थर का मरुभूमि बना रहे हैं, हम देव नदियों से भाग रहे हैं, हम हमें 50 रुपए का भारतीय पराठा नहीं, दुनिया का इतिहास उठाइए, लंदन कहां है टेम्स नदी के किनारे, मास्को कहां है मास्को नदी के किनारे, दिल्ली कहां है यमुना नदी के किनारे, ये तो सिविलाइजेशन का है, गंगा नदी नहीं नहीं सिविलाइजेशन है, नदी के जहां पानी होगा वहीं पर सिविलाइजेशन डेवलप होगा, नदी घाटी में सभ्यता का विकास हुआ, आज बाढ़ है आज सुखाड़ है क्यों हम भूल झेल रहे हैं, इसलिए कि हम प्रकृति से दूर भाग रहे हैं, समय को चला है इस डिबेट को, हम इस डिबेट को यहाँ रोके, मैं धन्यवाद करती हूँ शैलेश सिन्हा जी का और धन्यवाद करती हूँ शत्रुघ्न साहू जी का, ये डिबेट एक ऐसी डिबेट थी जिसमें चीख चिल्लाना नहीं था, जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं था, जिसमें सच में सोच और विचार था, जहाँ हमने एक तरफ शैलेश जी से सुना कि मानवता की भावना सबसे बड़ी है जिसको मैं भी मानती हूँ, वासुदेव कुटुंबकम पे हमारा ये हिंदुस्तान चला है और उसी पे विश्व को चलना चाहिए कि सारा संसार हमारे परिवार के समान, और अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है सेनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर मानव अपने आप को मानव मान ले और अपना आधार ईश्वर को मान ले तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकारों को ये समझने की आवश्यकता है, आप चाहे वो NPR हो NRC हो चाहे वो CA हो, राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि चाह तनमन को गुनहगार बना देती है, बाप के बाप को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है, तो आवश्यक है पहले भूख पर काम किया जाए, रोजगार पर काम किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया जाए, जब ये सुविधाएं आ जाएंगी तो ये सब समस्याएं धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगेंगी। बात करें अगर नेशनल करेक्टर की, नेशनल करेक्टर से पहले अपने करेक्टर को संभालना बहुत जरूरी है, व्यक्ति का चरित्र व्यक्ति को आगे लेकर जाता है, अंग्रेजी में कहावत थी व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अर्थात कहा जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, मगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, मगर आज शायद कहावत उल्टी नजर आती है और कि लोग आजकल कहने लगे हैं व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट when character is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, but when wealth is lost everything is lost, लोग मानने लग गए हैं शायद कहीं ना कहीं कि अगर चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, मगर धन गया तो सब कुछ गया, ऐसी विनाशकारी सोच को साकार होने से रोकना होगा और ऐसे ही सोच को साकार होने से तब रुकवाएगी जब वेलफेयर स्पीकर्स जैसे लोग, जब अच्छे भाषण देने वाले लोग, जब अच्छा सच में सामाजिक कार्यकर्ता जब आगे आएंगे और लोगों को ये समझाएंगे कि धन और जो धन है वो बाद में है, स्वास्थ्य और चरित्र सबसे पहले है, जब इस तरह के चरित्र को हम मान जाएंगे तो मुझे लगता है कि नेशनल करेक्टर की बात को हम और ऊपर अच्छे तरीके से उठा पाएंगे। आप लोग हमारे साथ इस डिबेट के लिए जुड़े इसका बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, चले।